दोस्तों, जो सोना होता है वो पीला क्यों होता है? सोना का जो खदान है, सबसे बड़ा खदान कहाँ है? कौन सा एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक भी देश नहीं पाया है? जी हाँ, वीडियो के अंत तक बने, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको पहले से पता है कि सोना यानी कि महत्वपूर्ण हुआ, लेकिन सोना जो पदार्थ है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ से निकलता है, यानी कि पूर्ण रूप से कहा जाता है उसे खदान, यानी कि सबसे दुनिया का बड़ा खदान सोने का कौन सा है, उसका नाम आप जानकर चल जाएंगे, क्योंकि उसका जो नाम है वो बहुत अजीब प्रकार का नाम है, आप कभी सुने हुए नहीं होंगे। अलास्का। क्या नाम है? अलास्का। अलास्का एक ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में सोने का खदान है, और वहीं से निकल कर पूरे दुनिया को प्रोवाइड कराता है सोना। ऐसा है एक ऐसा यानी कि सामान है, पदार्थ है, जो कि पूर्ण रूप से पीला है, यानी कि जब भी उसका निर्माण होता है प्राकृतिक द्वारा तो पीला होता है। आप लोग कहेंगे कि पीतल, तांबा, ये पीला पदार्थ है, लेकिन इसमें अगर कोई अगर मिश्रित पदार्थ नहीं करता है पीला नहीं होता है, लेकिन जो सोना एक ऐसा पदार्थ है वह प्राकृतिक द्वारा ही वह पीला होता है, इसीलिए उसका कीमत सबसे अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि कम मात्रा में पाया जाता है और प्राकृतिक द्वारा पीला होता है। और जो पीतल तांबा होता है उससे अनेक पदार्थ मिलाकर उसके पीला बनाया जाता है। कहा कौन सा सीमा रेखा, यानी कि कोई देश है उस देश यानी कि इस देश और उस देश के बीच में सीमा रेखा पाया जाता है, उस सीमा रेखा सबसे बड़े सीमा रेखा किसका रिकॉर्ड किया गया? कनाडा, यानी कि कनाडा हुआ और अमेरिका, अमेरिका और कनाडा को कौन व्यक्ति नहीं जानता है, उसके बीच में जो रेखा है सीमा रेखा वो दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रेखा कहा जाता है, लेकिन कितने बड़े सीमा रेखा कहा जाता है? 6414 किलोमीटर सबसे बड़ा रिकॉर्ड है सीमा रेखा का। यानी कि पृथ्वी पर जितना जगह है उसमें से कितने जगह पर बर्फ ढका हुआ है? जैसे ही कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पानी की मात्रा है, लेकिन जो पृथ्वी की मात्रा है, जो जमीन की जो मात्रा है, वह सबसे कम, यानी कि बहुत कम मात्रा है, लेकिन उससे भी जो बर्फ है वह कितने मात्रा में पृथ्वी को ढका हुआ है आप जानकर चल जाएंगे। ओ माय गॉड, पृथ्वी भी बर्फ ही ढका हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। यह 10% ऐसा जगह है जहाँ की यानी कि पृथ्वी को बर्फ ढका हुआ है 10%। माउंट एवरेस्ट यानी कि जो पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत कहा जाता है माउंट एवरेस्ट, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट की चौड़ाई है क्या बढ़ता है? पहाड़, यहाँ फैक्ट है कि पहाड़ जो है वहाँ बढ़ता रहता है, उसका हाइट भी बढ़ता है और उसका जो स्थलीय भाग होता है वह भी बढ़ता है, लेकिन कितने मात्रा में बढ़ता है आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, लगभग माउंट एवरेस्ट का 4 मिलीमीटर स्थायी यानी कि नीचे वाला जो भाग है वह पूर्ण रूप से बढ़ता है। जी हाँ, एवरेस्ट यानी कि सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर कितने व्यक्ति चढ़े हुए हैं, क्या आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं, क्या गूगल पर कभी सर्च किए हुए हैं? लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 2000 यानी कि 2000 जो सन है उसके अंतर्गत बताया गया है कि लगभग 1314 व्यक्ति वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हुए हैं, जिसमें से 167 व्यक्ति है क्या हो गए आप जानकर चल जाएंगे, वो मृत यानी कि मर गए, चढ़ते अवस्था में खत्म हो गए, वहीं पर गिर गए, उसका गिरने में खत्म हो गया। एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंतर्गत, यानी महाद्वीप जानते होंगे कि बहुत बड़े महाद्वीप को एक माने, यानी कि बहुत जगह को एक महाद्वीप कहा जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत एक भी यानी कि कहा जाए कि 1 इंच भी वहां पर मरुस्थल पाया ही नहीं जाता है। आप लोग जानकर चल जाएंगे ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर मरुस्थल नहीं है। जी हाँ, यूरोप यानी कि यूरोप महाद्वीप है जिसके अंतर्गत एक भी महाद्वीप यानी कि महाद्वीप के अंतर्गत रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल नहीं पाया गया है। क्या पहले से पता था? नहीं पता था। 400 कि अमेरिका में जो कॉफी प्रत्येक व्यक्ति पीते हैं, क्या अमेरिका द्वारा यानी कि अमेरिका में प्रत्येक जगह बनता होगा? आप लोग कहेंगे कि हाँ, प्रत्येक जगह यानी कि लगभग प्रत्येक जगह बनता, लेकिन एक ही ऐसा जगह है जहाँ पर कॉफी बनाए जाते हैं, आप जानकर चल जाएंगे, वहाँ पर उसके आधार पर पूरे अमेरिका को कॉफी पिलाया जाता है। हवाई यानी कि हवाई जगह, अब हवाई आप नाम सुनकर चौंक गए। जी हाँ, हवाई एक जगह का नाम है जहाँ से कॉफी बनकर पूरे अमेरिका में बताया यानी कि जाता। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हवाई एक ऐसा जगह है जहाँ पर यानी कि कॉफी बनकर पूरे अमेरिका को दिया जाता है, लेकिन हवाई जगह का कब राज्य बना कोई ना कोई उसका सीमित होगा, लेकिन वह बाद यानी कि सबसे बाद में उस राज्य का नाम रखा गया हवाई, लेकिन कब? 21 अगस्त 1959 में हवाई जगह को अमेरिका सरकार ने जो नाम रखा कि यह जगह का हवाई नाम रखा जाएगा, उसके बाद से वो जगह को हवाई। सबसे बड़ा ज्वालामुखी, कितने व्यक्ति को ज्वालामुखी के बारे में पता नहीं है, जहां पर जैसे कि पानी हो गया, पानी अधिक मात्रा में तो उसे कहते हैं पानी जगह, लेकिन ज्वालामुखी का अर्थ क्या है कि जो कि पूर्ण रूप से जलता हुआ आग है, आग जलता हुआ हमेशा रहता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन सबसे ज्वालामुखी कहां पर है आप जानकर चल जाएंगे? हवाई। हवाई अमेरिका के अंतर्गत एक ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी यानी कि बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं, जो कि अपने स्थल से 15 किलोमीटर ऊंचे तक ज्वालामुखी है उनका। एक ऐसा जगह है जहाँ के यानी कि उस 1 इंच पर्वत बढ़ता है,
आप लोग उस पर्वत का नाम सुनेंगे, लेकिन अगर उसे आप देखेंगे तो अनुभव चलेगा नहीं कि एक इंच मात्र कौन सा पर्वत बढ़ता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में बहुत ऐसा पर्वत है जो बहुत अधिक मात्रा में तेजी से ग्रोथ करेगा, जो कि आप झारखंड में देख सकते हैं किसी किसी द्वार पर वहाँ पर जो पर्वत रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि पर्वत नीचे से निकल कर आता है, जो हिमालय है या हिमालय पर्वत है वह एक इंच प्रत्येक साल उसको बढ़ना निश्चित।